श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। सबसे पहले मानस ज्योतिष ज्ञान कार्यक्रम देखने वाले समस्त दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती कृपा सदैव आप सब पर बना रहे, यही मेरी शुभकामना है आपके साथ। आप लोगों का जो प्रेम संबंध है, जो वैवाहिक जीवन है, वो भगवान शिव और माता पार्वती की तरह हो। आप लोग दीर्घजीवी हों, आपस में प्रेम रहे, ये मेरी कामना है। आइए हाथ जोड़ करके एक बार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शिवरात्रि पर कुछ विशेष डिस्कस करते हैं। ॐ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरौ। बोले शंकर भगवान की जय। मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ, उनका शुभ आशीर्वाद आप सब पर मना रहे। क्यों हम भगवान शिव के वैवाहिक दिन को इतना सुंदर तरीके से मनाते हैं? इसी कारण से। और किसी देवता का वैवाहिक दिन इतना सुंदर नहीं मनाया जाता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के वैवाहिक दिन को इतना सुंदर मनाते हैं, उसका एक रीजन है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सिखाता है कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण, आपस का जो प्रेम है वो आपके जीवन को कैसे सुखमय बना सकता है। अब हमें इस शिवरात्रि पर ऐसा क्या, खैर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, क्या व्रत करें, कैसे करें, लेकिन इतनी सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट हो तो एक बार आप लोग कॉल कर लीजिएगा। लेकिन इस शिवरात्रि पर क्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का पूजन करें, ये शिवरात्रि पहली शिवरात्रि है जो शुक्रवार को पड़ रही है, यानी शक्ति के स्वरूप का दिवस शुक्रवार, और देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, और जो शुक्रवार का दिन है वो देवी के आशीर्वाद का दिन माना जाता है। तो ये दिन आप लोगों के लिए बहुत सुखमय चीज़ें लेकर के आने वाला है। यदि किसी कन्या का शादी नहीं हो रहा, किसी कन्या की जो मैरिज है वो नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको शिवरात्रि के रात्रि में 6 से लेकर के 8 बजे के मध्य में श्रृंगार का सामान ले जा करके, जो श्रृंगार आपको सबसे प्रिय हो वही चढ़ाना है, माता पार्वती को अर्पण करना है। उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसको मांग लीजिए, घर ले आइए, उसको प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे सिर्फ 3 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है, माता पार्वती को मेहंदी ले जाकर के अर्पण कीजिए, उसके बाद उस मेहंदी को लगा करके और अपने पति के सामने जाइए। उस मेहंदी को 7 बार लगाना है 2 महीने के अंदर। इन 2 महीनों के बाद आप देखेंगे अगर आपका तलाक तक होने वाला होगा, मैं ये कह रहा हूँ, तो भी आपका प्रेम आपस में बन जाएगा और आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव शरीर के रोग के निवारण के कारक ग्रह है। यदि शरीर में कोई रोग है, सुबह 7 से लेकर के 9 बजे के मध्य में उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए मृत्युंजय मंत्र का जब ध्यान रखिएगा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 2 फूल लौंग के सामने रखिए और इस मंत्र का 21 बार पाठ कीजिए। उसके बाद वो दोनों लौंग जो है उसको आप खा लीजिए। आप देखिए आपके शरीर के रोग में चमत्कार होगा, आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। तो शिवरात्रि में भगवान शिव की कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना आपके लिए है। आप लोग शिवरात्रि को खूब सेलिब्रेट करें, निर्मल मन से भगवान शिव की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री राम।